महेश चंद्र गुप्ता बदायूं से यहां चुनावी मैदान में हैं, वैश्य समाज से आते हैं और इनकी परीक्षा है इस बार। तो रूबिका, ओवर टू यू। अभी आप बात कर रही थी तमाम उन बड़े मंत्रियों की, राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता जब बदायूं में वोट देकर निकले तो उन्होंने क्या कहा, उनके हाव भाव क्या बता रहे हैं, देखिए। हमारे साथ राज्य मंत्री और अभी मौजूदा विधायक बदायूं से महेश चंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि वोट देकर के सुबह सुबह सबसे पहले आ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप सुबह 7 बजे ही शुरू होती वोटिंग आप यहाँ पे आए, उत्साह भी काफी है और आप आश्वस्त भी काफी लग रहे हैं। मैं समय का पाबंद हूँ, चूंकि मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ। संघ में हमारे में जो सिखाया जाता है अनुशासन, समय का पालन, उस पालन के हिसाब से मैं समय पर आ गया। और उत्साह इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बा है, क्योंकि हर एक की अलग अलग भावनाएं होती है। समाजवादी पार्टी की आत्मा अखिलेश और मुलायम जी है, बहुजन समाजवादी पार्टी की आत्मा बहन जी मायावती है। सर, एक बात मैं जानना चाहती हूँ, लोगों का कहना है कि बेरोजगारी और विकास नगर का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जनता इस मुद्दे पर कहीं आपसे बिछड़ ना जाए, छूट ना जाए? विकास, जब हम बरेली की तरफ से उधर से घुसते थे तो नवादा चौराहे बोला जाता है, आज वो चौराहे सरदार भगत सिंह के नाम से बोला जाता है। इतना सब हुआ है, सिविल लाइन स्वीकृत हुई है, मैं कह सकता हूँ हमारे शहर को बहुत कुछ मिला है, तो सब आश्वस्त है और बहुत अच्छा। एक अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है यहाँ का बदायूं का, कि हर बार जनता आमतौर पर चेंज कर देती है, विधायक बदल देती है, और साथ ही साथ इस समय सपा जो गठबंधन की जिससे हवा चल रही है और तमाम मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है जनता आपको क्यों वोट देगी ऐसे? जब मैंने शपथ ग्रहण समारोह के बाद 2017 में 1 से 15 बदायूं विधानसभा को मैंने माँ मान लिया और माँ की तरह सेवा की, मैं कथनी करनी में अंतर न करते हुए जब मैंने उस हिसाब से सेवा की, और फिर मेरा मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।